ड्रामा सीरियल तेरा वादा की एपिसोड नंबर 59 में क्या कुछ होने वाला है जानिए इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 59 में आप लोग देखेंगे कि जब शियान की बीवी जो है वो मायूस खड़ी होगी, जिस पर सारा पूछेगी कि आपको क्या हुआ है, जिस पर कहेगी मारिया कि इसके सामने जिशान का जो राज है वो ओपन हो गया है कि उसने इसको से सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि ये कमाऊ है और कमाती है, इसलिए जिशान ने जो है वो इससे शादी की थी। ये बात इसको पता चल गई है जिसकी वजह से इसका ऐसा मूड बना हुआ है। उधर आप लोग देखेंगे कि जिशान की माँ बोलेगी अपनी बेटी मारिया से कि ये तो बात मेरे और मेरे बेटे के दरमियान थी, तो इसको कैसे पता चली, ये तुमने ही बताया होगा। जी हाँ, मारिया अपने घर में फसाद फैलाने के बाद अब आ गई है मक्के में अपने भाई का घर बर्बाद करने के लिए। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि अली और उसका भाई शहीर जो है वो शहीर अपने भाई अली को बोलेगा कि तुम जो मर्जी मुझे समझा लो, जैसा मर्जी समझा लो, लेकिन अब जैसा भी हो मैं साइम को इस घर में ज़रूर लेकर आऊँगा, वो मेरी बीवी है और तुम या तुम अम्मी ये बात समझें या ना समझें मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। जी हाँ, अली भी अब मुखालफ है साइम का इस घर में आने पर, लेकिन शहीर अब इस घर में उसको लेकर ही आएगा क्योंकि उसने जिता दिया है कि वो हिस्सा इस घर में उसका भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा यानी कि अली का। उधर आप लोग देखेंगे कि बिलाल जो है वो छूट कर आ चुका है, लेकिन छूट कर आने के बाद फौरन जो है वो आता है मारिया के घर और वहाँ पर मारिया को थप्पड़ दे मारता है जब सब लोग देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिलाल दे देगा मारिया को तलाक या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।